आइए बगैर किसी तमगीद के मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसी शायरा के हुजूर जिसे हम सब और दुनियाए अदब और साहित्यिक दुनिया चांदनी पांडे के नाम से जानती है। आइए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। तस्दीक कराइए कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, सदर मोहतरम से असलम साहब और आप सभी सामीन जी, अर्ज किया है कि सफ़र कठिन ही सही पार तो करूँगी मैं, सफ़र कठिन ही सही पार तो करूँगी मैं, कि अपनी ज़ात को बेजार तो करूँगी मैं, और उसे गुमान है मैं यूँ ही छोड़ दूँगी उसे गुमान है मैं यूँ ही छोड़ दूँगी उसे, कि दुखती रख पे कोई वार तो करूँगी मैं, कि दुखती रख पे कोई वार तो करूँगी मैं, कि पहले होता था अब नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता, आज कुछ बेसबब नहीं होता, कि पहले होता था अब नहीं होता, आज कुछ बेसबब नहीं होता, और हमको कितना यकीन था खुद पर, हमको कितना यकीन था खुद पर, क्यों मगर ऐसा अब नहीं होता, कि मानती हूँ तुम्हें बहुत लेकिन यार महबूब रब नहीं होता, कि मानती हूँ तुम्हें बहुत लेकिन यार महबूब रब नहीं होता, और मेरे पहलू में वो नहीं तो क्या दिल में मेहमान कब नहीं होता, कि कितनी तब्दील हो गई दुनिया कौन से दिन गजब नहीं होता, और प्यार खुशबू का ऐसा झोंका है, प्यार खुशबू का एक झोंका है उसका नामो नसब नहीं होता, कि पहले ज़रूरियात की सूरत बदल गई, पहले ज़रूरियात की सूरत बदल गई, फिर उसके बाद उसकी मोहब्बत बदल गई, और कहता था तुझको देख के जीना है उम्र भर, कहता था तुझको देख के जीना है उम्र भर, अब कह रहा है क्या करूं फितरत बदल गई, अब कह रहा है क्या करूं फितरत बदल गई। एक मतलब कुछ यूँ मैं हाजिर करती नज़र करती हूँ आपको और आप सभी बहनों को, कि किसे तलाश करूँगी किसे बुलाऊँगी, किसे तलाश करूँगी किसे बुलाऊँगी, खुद अपनी जंग लड़ूँगी तो जीत जाऊँगी, कि दिलों के बीच में शर्तें नहीं हुआ करती, दिलों के बीच में शर्तें नहीं हुआ करती, अगर वो प्यार जताए तो लौट आऊंगी, कि चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, मगर इसी से नया आईना बनाऊंगी, कि चटक गया है और मंजिल की ओर आखिरी रास्ता नहीं है तू, मंजिल की ओर आखिरी रास्ता नहीं है तू, दुनिया में तू जरूर है दुनिया नहीं है तू, कि ये इंतकाम इश्क जला देगा मुझे, दुनिया समझ गई है ये समझा नहीं है तू, दुनिया समझ गई है ये समझा नहीं है तू, और अब एक मतलब कुछ यूँ कि इन अंधेरों में उजालों पे जो पहरा रखे कोई उस शख्स से उम्मीद भला क्या रखे, और शेर सुने कि हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, ये भी हो सकता है दरिया मुझे प्यासा रखे, कि हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, ये भी हो सकता है दरिया मुझे प्यासा रखे, और वो जो मौसम की तरह रोज बदल जाता है, वो जो मौसम की तरह रोज बदल जाता है, ऐसे हर जाई से उम्मीद कोई क्या रखे, कि उसके चेहरे पे नहीं सजती ये दुनियादारी, उसके चेहरे पे नहीं सजती ये दुनियादारी, उससे कह दो वही मासूम सा चेहरा रखे, उससे कह दो वही मासूम सा चेहरा रखे। एक मतलब अर्ज किया है कि ज़िंदगी की यही कहानी है, सांस आनी है और जानी है, ज़िंदगी की यही कहानी है, सांस आनी है और जानी है।
और शेर बतौर खास कि तुम जो होते तो बात कुछ होती, तुम जो होते तो बात कुछ होती, आपकी बारिश तो सिर्फ पानी है। कि तुम जो होते तो बात कुछ होती, आपकी बारिश तो सिर्फ पानी है। और एक तरफ उसकी बोलती आंखें, एक तरफ उसकी बोलती आंखें, एक तरफ मेरी बेजबानी है। कि एक तरफ उसकी बोलती आंखें, एक तरफ मेरी बेजबानी है। और यूं ही सुनते रहे अगर दिल की, यूं ही सुनते रहे अगर दिल की, याद रखिए कि जान जानी है। कि धूप लगती है बादलों जैसी, धूप लगती है बादलों जैसी, ये मोहब्बत की साहिबानी है। और हार जाएंगे अकबरे आजम, हार जाएंगे अकबरे आजम, कब मोहब्बत ने हार मानी है। कि खत्म है बादल की जब से साहिबानी धूप में, खत्म है बादल की जब से साहिबानी धूप में, आग होती जा रही है जिंदगानी धूप में। कि चांद की आगोश में होने से जिसका हो वजूद, चांद की आगोश में होने से जिसका हो वजूद, खिल सकेगी क्या भला वो रात रानी धूप में। कि उसकी फुरकत की तपिश में मैं झुलस कर रह गई, उसकी फुरकत की तपिश में मैं झुलस कर रह गई, वरना इतनी ताप कब थी आसमानी धूप में। कि उसके फुरकत की तपिश में मैं झुलस कर रह गई, वरना इतनी ताप कब थी आसमानी धूप में। और एक शेर मैंने पिछली दफ़ा उर्दू एकेडमी में पढ़ा था, तो मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैं वो पढ़ूं, तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं उसे पढ़ सकूं। हाँ, ये शायद ऑनलाइन है, और मुझे ऐसा, उससे पहले मैं एक मतलब कुछ अशआर पढ़ती हूँ। कि मुकद्दर ही था कुछ ऐसा हमारा, मुकद्दर ही था कुछ ऐसा हमारा, सफ़र कटता रहा तन्हा हमारा। कि कई चेहरों का गम शामिल है इसमें, कई चेहरों का गम शामिल है इसमें, हमारा है कहाँ चेहरा हमारा। कि हमें मंजिल पे आके ये खलिश है, हमें मंजिल पे आके ये खलिश है, पलट जाते तो क्या जाता हमारा। कि हमें मंजिल पे आके ये खलिश है, कि पलट जाते तो क्या जाता हमारा। और निभाने की मुसलसल कोशिशों में, निभाने की मुसलसल कोशिशों में, बिगड़ता ही गया रिश्ता हमारा। कि वफादारी की हामी भर चुकी हूँ, नहीं करना था जो वो कर चुकी हूँ। वफादारी की हामी भर चुकी हूँ, नहीं करना था जो वो कर चुकी हूँ। और जिए जाने की नकली कोशिशों में, जिए जाने की नकली कोशिशों में, न जाने कितनी मौतें मर चुकी हूँ। कि बहुत शुक्रिया असलम साहब। कि जिए जाने की नकली कोशिशों में न जाने कितनी मौतें मर चुकी हूँ। और ये कैसा दर्द बढ़ता जा रहा है, ये कैसा दर्द बढ़ता जा रहा है, मरस का अब नहीं चारा रहा है। और शेर सुने कि बदन में रूह में या फिर नजर में, बदन में रूह में या फिर नजर में, कहीं कुछ है जो मरता जा रहा है। कि बदन में रूह में या फिर नजर में, कहीं कुछ है जो मरता जा रहा है। और फकत तस्वीर से करके मोहब्बत, फकत तस्वीर से करके मोहब्बत, मुसव्विर भी बहुत पछता रहा है। कि फकत तस्वीर से करके मोहब्बत, मुसव्विर भी बहुत पछता रहा है। और वो जो दिल में उतरता जा रहा था, वो जो दिल में उतरता जा रहा था, वो अब दिल से उतरता जा रहा है। कि मुझे बता दीजिएगा, आपका प्रोग्राम ख़त्म भी करना है, मैं तो पढ़ती रहूँगी। अच्छा, मुझे टाइम देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ हाँ, मैं बस, कि ख्वाब से वो झिझोड़ सकता है, रुख हवाओं का मोड़ सकता है। ख्वाब से वो झिझोड़ सकता है, रुख हवाओं का मोड़ सकता है। और ये कहावत नहीं हकीकत है, इश्क तारे भी तोड़ सकता है।
कि इश्क दीवानगी सही लेकिन रूह से दिल को जोड़ सकता है। वो एक शेर जिसके लिए मैं जिसे पढ़ना चाह रही हूँ कि आज उसने शराब छोड़ी है, आज उसने शराब छोड़ी है, अब वो मुझको भी छोड़ सकता है। मैं कल लगाना चाह रही थी पर कल में इत्मीनान है, अब में टेंशन है, दहशत है, वहशत है, अब वो कभी भी छोड़ सकता है। कल तो इत्मीनान है, देखा जाएगा कल। तो मैंने इसे यूं कहा कि आज उसने शराब छोड़ी है, अब वो मुझको भी छोड़ सकता है, और एक रिश्ते को तोड़ने वाला दूसरा रिश्ता भी तोड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।